गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यात्रा ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया था, बहुत सारे टॉपिक्स को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, मतलब टॉपिक केवल एक चैप्टर का, ठीक है। उसमें कौन कौन सा है, उसमें हम लोग का है हड़प्पा, ठीक है। कौन कौन सी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हम लोगों ने कवर किया है उसको बता रही हूँ, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो, चनूदड़ो, ठीक है, लोथल, बनावली, रोपड़, धौलावीरा, ये सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर और सुर कोतड़ा, कोतड़ा क्या है, रंगपुर, लोथल, दा, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, सुर कोतड़ा, कोटदा, सुर कोटदा, ठीक है। ये सब क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय या शहरी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता था वो कैसा सभ्यता था, शहरी या फिर नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। शहरी और क्या था, नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, सेल खड़ी, क्या था, सेल खड़ी, ठीक है। सेल खड़ी का क्या मिला था, मुहर मिला था, क्या मिला था, मुहर, जो सेल खड़ी होता है, ठीक है। सेल खड़ी होता है वो कैसा था, एक पत्थर हुआ करता था, ठीक है। उसके क्या बनाते थे, मुहर बनाते थे, मुहर मतलब समझ रहे हो, मुहर, मुहर मीन्स ये नहीं, जैसे सील और पेड होता है, दो जब हम लोग किसी चीज पे जाते हैं तो वो लगाते हैं ना सील, उसी को क्या कहते हैं, मुहर, ठीक है। आप लिख लीजिए यहाँ आपके लिए, ठीक है, सील करके, उसी को क्या कहेंगे, मुहर, जो कि एक क्या बना होता था, पत्थर का बना हुआ होता था, ठीक है। और यही सेल खड़ी में, ठीक है, या यही मुहर में क्या हुआ करता था, एक सींग वाला गेंडा होता था, ठीक है। एक सींग वाला क्या होता है, गेंडा, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा किसे कहेंगे, मतलब जो उसका बॉडी था, ठीक है, बाकी गर्दन क्या था, गेंडे के जैसे था, और जो उसका बॉडी था वो गाय के जैसे, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एक सींग वाला गेंडा। और उसका ही वो था बहुत, मतलब इतना बड़ा सा क्या था, व्हाइट कलर का वो निकला हुआ होता था, क्या, सींग निकला हुआ था, ठीक है, क्या निकलता था, सींग, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एक सींग वाला गेंडा। मोहनजोदाड़ो मूवी देखे हो, उसमें रहता है ना, मोहनजोदाड़ो में देखे होगे, एक सींग वाला गेंडा होता है उसमें, वही जो उसकी पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, व्हाइट कलर का होता है, एक गुफा में रहते हैं, वैसे उसी को क्या कहेंगे, एक सींग वाला क्या होता है, गेंडा। उसके बाद हमको कहाँ से मिला है, मुहर कहाँ से मिला है, फारस, ठीक है, कहाँ की मुहर मिला है, फारस, ठीक है, फारस की क्या मिली थी, मुहर, कहाँ से मिला था, फारस की मुहर मिला था, ठीक है, कहाँ से मिला था, फारस की मुहर मिला था, है ना। डेली का रहता है, चलो, सिक्का मिला है, क्या मिला है, सिक्का, ठीक है, सिक्का मिला, सिक्का मिला है, और सिक्का कैसा सिक्का था, कल से टाइम पे आ जाना, हमेशा के रहता है, मेरे को मालूम है, ठीक है। सिक्का कैसा था, टेरा कोटा, ठीक है, टेरा कोटा, कैसा सिक्का था, टेरा कोटा सिक्का थी। टेरा कोटा क्या होता है, मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ सिक्का को ही क्या कहेंगे, टेरा कोटा। जैसे कि हम लोग मिट्टी देखोगे, मिट्टी रहेगा उसमें सिक्का बनाएंगे, सिक्का बनाने के बाद में उसको पकाएंगे, पकाएंगे तो टेरा कोटा कैसे रंग दिखेगा, गेरू, या फिर रहता है ना गेरू, लाल टाइप का, जैसे पका हुआ ईंट देखे हो वैसे ही, उसी को ही का बोल रहा है ये, ठीक है। सिक्का कैसा था, टेरा कोटा का था, गेरू कलर का, जब उसको पकाते थे तो कैसा होता था, गेरू कलर का हो जाता था, ठीक है,
क्या कलर का होता है? गेरू कलर का। उसमें क्या नहीं होता है? चमक वमक नहीं रहता है। पकी हुई ईंट को देखे हो तो उसमें चमक रहता है? रहता है, चमक रहता है। तो कैसे हाँ हाँ बोल रही हो? पकी हुई ईंट का क्या नहीं रहता है? चमक नहीं रहता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसे परिचित नहीं थे? गाय। किसे परिचित नहीं थे? गाय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय क्या होता है इसको नहीं जानते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नहीं जानते थे? गाय क्या होता है ये नहीं पता था। ठीक है, तलवार के बारे में नहीं जानते थे। तलवार, ठीक है, किसके बारे में नहीं जानते थे? तलवार। तो जाहिर सी बात है अगर तलवार नहीं जानते तो वो लोग किसके बारे में नहीं जानते थे? युद्ध के बारे में। किसके बारे में? युद्ध के बारे में। ठीक है, किसके बारे में नहीं जानते थे? युद्ध। उनको युद्ध करना नहीं आता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे, तलवार के से परिचित नहीं थे और युद्ध से भी परिचित नहीं थे। वो क्या थे? युद्ध प्रिय ना होकर के क्या थे? शांति प्रिय थे। क्या थे? शांति प्रिय थे वो लोग। ठीक है, क्या थे? शांति प्रिय थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। ठीक है, ये बोलना। ठीक है, जब पूछूंगी तो ये कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। सेलखड़ी का क्या मिला हमको? मुहर। उसमें क्या है? एक सिंह वाला गेंडे का क्या मिला है? चित्र मिला है। ठीक है, एक सिंह वाला गेंडे का चित्र मिला है। किसमें? सेलखड़ी। सेलखड़ी क्या होता है? मुहर। ठीक है, सिक्का रहेगा बड़ा सा, उसमें क्या लगे रहेगा? मुहर। ठीक है, फारस की, कहां की मुहर मिली है? तो फारस। इसे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार। ठीक है, व्यापार करते रहे होंगे तभी तो फारस की खाड़ी से कहाँ आए थे? लोथल आए थे। ठीक है, गुजरात के पास है लोथल, लोथल आए थे तो वहीं पे क्या मिला है? लोथल के पास ही हमको क्या मिला है? फारस की मुहर। ठीक है, वो मिला है। सिक्का क्या था, बना था? टेराकोटा। टेराकोटा किससे बना होता है? मिट्टी। किससे बना होता था? मिट्टी से। ठीक है, गाय से परिचित थे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? नहीं थे। तलवार जानते थे? नहीं जानते थे। युद्ध के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। ठीक है, बताओ हड़प्पा सभ्यता, मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला है? कहां से मिला है? हड़प्पा। बनावली के बारे, बनावली बताओ, बनावली के बारे में कहां है? बनावली कहां है? बनावली कहां है? हरियाणा में है। ठीक है, यहां से हमें क्या क्या मिला था बनावली से? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली थी। ठीक है, पानी था वो स्वच्छ नहीं था। हाँ, पानी था वो स्वच्छ नहीं था। मैम, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उससे पहले जो पढ़ा चुकी उसको रिवाइज करवा दीजिए। नहीं कराई हूँ, बस बताया था कि ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या, मतलब ये सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे। ठीक है, क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे। उसके बाद में बस यही अभी पढ़ाया है। हाँ, सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है उसके स्थान जो भी मिले हैं उसको क्या किया है? खुदाई की है। तो हम लोग को जितने सारी चीजें मिली है वो सारी चीजें हैं। ठीक है, बताओ पशुपति शिव की मूर्ति, रोपड़ से क्या मिला है? रोपड़ क्या लिखोगे बताओ? रोपड़ से क्या मिला है? रोपड़। इंसान रोता है। हाँ, तो मानव सा जो उनके कुत्ता होते हैं, वो भी सब मानव के साथ साथ उसके पालतू पशु का भी क्या मिला है? सो मिला। सो नहीं, सौ मिला है। ठीक है, क्या मिला है? सौ मिला है। ठीक है, क्या मिला है? सौ। कलश समाधान कहाँ पे था? देखो ये लिखवा ली थी मैं, गिन। ठीक है, इसके सुधार के क्या लिखोगे? इसके जगह में ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सुदका गिनोर कहाँ है? पाकिस्तान में। और सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात। और गुजरात कहाँ है? भारत देश में हमारे। ठीक है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। सुदका गिंडोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का सबसे क्या था? पश्चिमी छोर था। ठीक है, ये क्या है? इसके जहाँ लिखे हो उसको काट करके इसको ये लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? इसको
सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा लिखो, सुरकोटदा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार जानते थे, तलवार से परिचित थे, युद्ध से परिचित थे? नहीं थे। बोलना है, ठीक है, हाँ नहीं थे। हाँ लिख लो, सेलखड़ी की, सेलखड़ी का क्या मिला है? मुहर। क्या मिला है? मुहर। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि एवं क्या था? व्यापार, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि एवं व्यापार, ठीक है। क्या था? कृषि एवं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो क्या बताओगे? कृषि एवं व्यापार, ठीक है। कृषि एवं क्या था? व्यापार था, कृषि एवं व्यापार। कृषि एवं क्या था? व्यापार था, ठीक है, कृषि एवं व्यापार। सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ होता था, ठीक है। सेलखड़ी जो होता है वो एक प्रकार का पत्थर होता है, उसी से क्या बना था? मुहर बना था। तो मुहर में कैसा चित्र था तो बताओगे क्या? एक सिंह वाला गेंडा था, जिसकी बॉडी मतलब जो सर है, सर से नीचे क्या था? गाय के जैसा था, और उसका सर कैसा था? गेंडे के जैसा, और ऊपर में क्या था? एक सिंह था, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एक सिंह वाला गेंडा। उसी का क्या मिलता था? मुहर। जब मोहनजोदड़ो मूवी है, मतलब बताया गया है उसमें कि क्या है, जब जाते थे ना मोहनजोदड़ो के ऊपर में, तब उसको जो मुहर रहता था उसको बताने से एंट्री मिलता था, ठीक है। तो वैसी ही है, ठीक है। एक सिंह वाला क्या था? गेंडा। गेंडा का चित्र नहीं मेरी माता, एक सिंह वाला गेंडा मिला, गेंडा का क्या मिला है? मुहर मिला है। क्या मिला है? मुहर। अब लिख दी हूँ फिर भी से पूछ रही हूँ, क्या मिला है? मुहर, ठीक है। क्या मिला है? मुहर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था? कृषि एवं व्यापार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? भाव चित्रात्मक लिपि। उनका लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक लिपि। मतलब अर्थ क्या है कि वो लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। उन लोगों ने क्या बनाया था? चित्र बनाया था। मतलब कि कोई सभी चीज बनाते थे, मतलब कोई लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध वगैरह तो नहीं मिला है, मतलब किसी चीज को खोज रहे हैं या कोई भी सारी चीजें, तो उसका क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे, और उसको क्या करते थे? शो करते थे, ठीक है। क्या था इनका लिपि? क्या था? ठीक है, लिपि कैसा मिला है हमको तो क्या बताओगे? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। लिपि कैसा है? भाव चित्रात्मक लिपि। कैसा लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि। अर्थव्यवस्था कैसा है? कृषि एवं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। सेलखड़ी किससे बना होता था? पत्थर से बना होता था, ठीक है। उसमें किसका चित्र था? एक सिंह वाला गेंडा का क्या था? चित्र था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से व्यापार करते थे? फारस। कहां से करते थे? फारस। सिक्का क्या का बना होता है? टेराकोटा। सिक्का क्या का था? टेराकोटा, ठीक है। रंग था, कलर, ठीक है। क्या है? रंग है, गेरू रंग का। जैसे कि टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का सिक्का बनता है। उसको मिट्टी को क्या करेंगे? आग में पकाते थे, पकाने के बाद में वो कलर कैसा आता था? गेरू रंग का। ईटा देखे वो पके हुआ ईटा, हाँ, तो उसी को जैसे मिट्टी का बनता है ईटा, उसको पकाते हैं तो पकाने के बाद दिखता है कलर, वही कलर है, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आया? ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। उनका अर्थव्यवस्था कैसा था? व्यापार और कृषि। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। क्या था? भाव चित्रात्मक लिपि था, ठीक है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहते हैं? हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास के जनक कौन होते हैं? हेरोडोटस। इतिहास को कितने भागों में बांटा थे हम लोगों ने? तीन भागों में बांटा। कौन कौन सा? प्राग, और क्या? ऐतिहासिक क्या होता है?
ऐतिहासिक। ठीक है, हम पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, ठीक है, अध्यातिहासिक काल भी पढ़ लिया, अब पढ़ना क्या है, ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल तो खत्म हो गया था, ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की थी, फिर जो आप ऐसा पढ़ा रही थी हम लोगों को, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जगह है ना। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो जगह थी उस जगह पे जाकर के हम लोगों ने क्या किया, खुदाई किया, तो हमको पता चलता है कि क्या क्या सारी चीजें मिली, तो उसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अध्यातिहासिक काल के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्या लिखोगे, ऐतिहासिक काल। हाँ, लिखो, क्या लिखोगे, पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य में हमको क्या क्या सारी चीजें मिली है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, विदेश, विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री, क्या लिखोगे, विदेशी यात्री, और साहित्य, क्या लिखोगे, साहित्य। तो ऐतिहासिक को तीन भागों में बांटते हैं, लिखो तो, पुरातात्विक इस पढ़ाऊंगी अभी इसको, विदेशी यात्री और साहित्य, विदेशी यात्री में जो भी ऐतिहासिक साहित्यिक विदेशी यात्री आएंगे भारत में, उन्होंने क्या कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, जैसे मेगास्थनीस, ठीक है, मेगास्थनीस ने क्या लिखा था, इंडिका लिखा है, इंडिका है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, विदेशी यात्री में। पुरातात्विक में क्या क्या आएगा, सिक्का, क्या आएगा, सिक्का, सिक्का और क्या आएगा, सिक्के और अभिलेख, ठीक है, क्या आएगा, सिक्का और अभिलेख, पुरातात्विक में सिक्का और अभिलेख, सिक्के कहाँ कहाँ से मिले, किस राजा ने बनाया था, किसने क्या लागू किया था वो देखेंगे, अभिलेख क्या होता है वो, ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, अभिलेख, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अभिलेख, जैसे क्या मिला था पुरातात्विक में हमको, क्या क्या मिला था, सिक्का मिला था, सिक्का मिला था, मिला था, क्या बोलते हैं, भवन, स्मारक और भवन मिला था, और चित्रकला मिला था, और चित्रकला क्या बोलते हैं, हो गया, ठीक है, साहित्य इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सिक्का, अभिलेख, ठीक है, सिक्का और क्या मिला है, अभिलेख, ठीक है, क्या मिला है, अभिलेख, सिक्का और क्या मिला है, अभिलेख, क्या मिला था, सिक्का मिला था और अभिलेख, सिक्का और अभिलेख, सिक्का में हम ये पढ़ेंगे कि कहां से सिक्का मिला, किसके द्वारा सिक्का मिला, ये सब पढ़ेंगे। सिक्का में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस सिक्का, देखो सिक्का कौन बनवाएगा, राजा लोग, ठीक है, जो भी आगे आएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, राजा, तो किस राजा ने कौन सा सिक्का बनवाया था और किसने अपने शासन में उसको क्या कहता चलाया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, किसको, सिक्का को, उससे पहले क्या देखेंगे, अभिलेख, क्या देखेंगे, अभिलेख, ठीक है, अभिलेख जो होता है बड़े बड़े पत्थरों को खोद करके लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख, क्या है, अभिलेख, ठीक है, क्या कहलाएगा, अभिलेख, क्या मैम, बड़े बड़े देखो किसी को मैसेज पहुंचाना था जब उस टाइम पर, ठीक है, तो क्या करते थे, बड़ा सा पत्थर में खोद खोद कर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख, ठीक है, बड़े पत्थरों पर खोद खोद करके लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख, ठीक है, क्या कहलाता है, अभिलेख, खोद खोद कर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख, बड़े बड़े पत्थरों पर खोद करके लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, अभिलेख, ठीक है, ये क्या है, शिलालेख, क्या है, शिलालेख, शिलालेख जो होता था छोटे पत्थरों पर खोद खोद कर लिखते थे उसे क्या कहते हैं, शिलालेख, ठीक है, क्या कहते हैं, शिलालेख, क्या कहेंगे, शिलालेख, उसके बाद में क्या आएगा, स्तंभ लेख, क्या आएगा, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है, क्या आएगा, स्तंभ लेख, स्तंभ, स्तंभ पता है क्या होता है, पिलर, बिजली का खंभा, देखी हो,
तो वैसे ही क्या होता है पिलर, ठीक है, समझ जाओ कि बिजली का जो खंभा होता है उसे क्या कहेंगे स्तंभ। तो ठीक है उस स्तंभ में खोद, स्तंभ में क्या लिखते थे मैसेज, ठीक है पहले तो क्या है, अरे समझा रही हूँ कि वैसे एक पिलर होता था बड़ा बड़ा सा, ठीक है तो उसी को क्या कहेंगे स्तंभ लेख, ठीक है उसी को क्या कहेंगे स्तंभ लेख, लिख लो बिजली का खंभा। तो ठीक है लिख लो साइड में, याद नहीं होता, ठीक है क्या है अभिलेख, अभिलेख क्या है बड़े बड़े पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है अभिलेख, और शिलालेख क्या है छोटे पत्थरों का खोद खोद कर लिखना क्या कहलाता है शिलालेख, और स्तंभ लेख क्या है जो पिलर पर लिखे वो क्या है स्तंभ लेख, क्या है स्तंभ लेख, ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है क्या है गुफा लेख, क्या है गुफा लेख, क्या हुआ इतना सारा लेख याद करेंगे तब तो हो गया, लेकिन याद करना पड़ेगा बोली है याद कर लेना सब लिखो क्या है गुफा लेख, क्या होगा गुफा, गुफा मतलब तो जानती हो कि उसको भी नहीं जानती, जानती हो ना, तो क्या होगा गुफा लेख, गुफा लेख में क्या होगा गुफा में बनाया जाता है, ठीक है गुफा में खुद कर, जैसे क्या देखो कैलाश गुफा, कैलाश गुफा क्या है बहुत बड़ा का क्या था पर्वत था, ठीक है उस पर्वत को क्या किया है खोद करके डिजाइनिंग करके सारी चीजों को उसमें बनाया गया है, ठीक है तो वो क्या होगा गुफा लेख। ओके मैं पर्वत को खोद करके गुफा बनाया, इस गुफा से समझ में नहीं आ रहा कि गुफा और लेख कि गुफा को खोद करके बनाया होगा करके नहीं आ रहा है, तो वही मतलब कि पर्वत रहेगा उसको खोद करके गुफा बनाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे गुफा लेख कहेंगे, ठीक है उसे क्या कहेंगे गुफा लेख, ठीक है क्या कहेंगे गुफा लेख, कैलाश पर्वत वैष्णो देवी का मंदिर ये सब है ना वो सारी, पहले के इंजीनियर क्या, पहले आजकल के इंजीनियर जैसे तैसे सड़क को बनाने जानते हैं बस उसके बाद में बाकी गया, पहले के इंजीनियर देखो गुफा में मतलब कि वो बहुत बड़ा का गुफा था उसको कैसे डिजाइन करना है कहाँ पे कौन सी मंदिर बनाना है क्या सारी चीजें करना है उनको पहले से पता था, ये मत बोलना कि पहले के इंजीनियर कहाँ से पढ़े थे, ठीक है क्या है गुफा लेख। उसके बाद में क्या आएगा भित्ति लेख, ठीक है भित्ति, भित्ति का क्या होता है दीवार, भित्ति में क्या होता है भित्ति का अर्थ क्या होता है दीवार, ठीक है हाँ देखिए जैसे घर बनता है रहता है भित्ति, जैसे किसी का नाम रहता है कि ये अधिवक्ता एडवोकेट ऐसा वैसा करके वो क्या है भित्ति अभिलेख दीवार पर। देखोगे आजकल क्या करते हैं जितना भी दीवार था पहले जमाने में क्या करते थे दीवार पर लिख करके मैसेज को भेजते थे, ठीक है मैसेज लिखते थे, आजकल क्या है चित्र पेंटिंग करते हैं कि ये सारी चीजें हैं पूरा एकदम पेंट वेंट पूरा दीवार को छाप देते हैं, वैसे क्या था भित्ति अभिलेख उस जमाने में, ठीक है अभिलेख, अभिलेख क्या है अभिलेख, अभिलेख जहां बड़ा बड़ा बड़े बड़े पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है अभिलेख, ठीक है शिलालेख, छोटे छोटे पत्थरों को खोद कर मैसेज लिखना, ठीक है पिलर, स्तंभ लेख, पिलर स्तंभ लेख, फिर क्या है गुफा लेख, और क्या है स्तंभ लेख अपना समझ के लिए समझ जाओ ना कि स्तंभ मतलब कि क्या होता है पिलर होता है और गुफा लेख, ठीक है और क्या मिला है भित्ति लेख, ठीक है क्या मिला है भित्ति लेख दीवारों पर भित्ति, यहाँ लिख लो ना जब समझ में नहीं आता है तो ये साइड पे लिख लिया करो ऐसे स्तंभ, ठीक है पिलर और ये समझ में नहीं आता बिजली का खंभा लिख लो उसके आगे में, ठीक है समझ में नहीं आता है तो उसको लिखा करो और समझ में नहीं आता है तो एक डायरी रखा करो उस डायरी में लिखा करो कि क्या चीज है, ठीक है उस डायरी को लिखा करो उसमें लिखा करो कि ये चीज है ये है ऐसा करके, तो उसे उस डायरी को रोज खोल करके देखो कि ये इसका मतलब ये होता है इसका अर्थ ये होता है, मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ शुरू दिन से बोल रही हूँ कि एक डायरी रखो उसमें लिखो और पुरातात्विक का अर्थ क्या है रच हाँ जमीन के खुसे खोद कर निकाले हुए चीजों को क्या कहते हैं पुरातात्विक, ठीक है क्या कहते हैं पुरातात्विक। हम क्या पढ़ेंगे अब सिक्का, क्या पढ़ेंगे सिक्के, ठीक है क्या पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम अभिलेख,
पहले सिक्का पढ़ेंगे फिर अभिलेख। सिक्का तो अभिलेख तो अभी पढ़ाना, इतना छोटा सा, मैं सोची बहुत बड़ा होगा। क्या चीज? मैं सोची अभिलेख कैसा नाम था, मैं सोची बड़ा होगा। बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे? युद्ध से परिचित थे? तलवार से परिचित थे? तो किससे परिचित थे? व्यापार और कृषि। कृषि और व्यापार क्या था, करते थे। कहाँ की हमको मुहर मिला है? सिक्का का मुहर मिला है। अरे भाई, कहाँ का मुहर मिला है? कहाँ कहने से फारस। कहाँ का मिला है? फारस की क्या मिली है? मुहर। ठीक है, क्या मिला है? फारस की मुहर। देखो, जो लोथल था, ठीक है, वो क्या था? व्यापार। व्यापारी किस स्थल था? बंदरगाह मिले, गोदीवाड़ा मिला, वहां पे क्या मिलता था? 16 किलो का क्या मिलता था? बाट। लिखो, 16 किलो का क्या मिलता था? बाट। ठीक है, क्या मिलता था? बाट, किलो बाट, जो होता था 16 किलो से कम नया नहीं होता था, 16 किलो होता था। ठीक है, क्या होता था? 16 किलो का क्या मिला है? बाट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लिखने जानते थे? लिपि कैसी थी? लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक, मतलब कि भाव, अंदर की अपनी भावनाओं को चित्र से क्या करते थे? प्रदर्शित किया करते थे। कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हम क्या पढ़ेंगे? सिक्का। क्या पढ़ेंगे? सिक्का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सिक्का, सिक्कों के बारे में। टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा हमको कहां से मिला है? सिंधु। कहां से मिला है? सिंधु। टेराकोटा सिक्का मिला है। टेराकोटा सिक्का कहां से मिला है? सिंधु से। कहां से मिला है? सिंधु। ठीक है, कहां से मिला है? सिंधु। उसके बाद में आहत, क्या है? आहत। आहत जो सिक्का है वो किस राजा का है, किस वंश का है, तो क्या बताओगे? मौर्य वंश। किसका है? मौर्य वंश। टेराकोटा कहां से मिला है? सिंधु घाटी। ठीक है, टेराकोटा कहां से मिला है? सिंधु घाटी से मिला है। और आहत सिक्का कहां से मिला है? मौर्य वंश। मौर्य वंश कहां से मिला है? मौर्य वंश। ठीक है, क्या मिला है? पंचमार्ग, पर्ण, ये सब कहां से मिला है? मौर्य वंश। कहां से मिला है? मौर्य वंश। देखो, ये क्या है, अभी बस बता रही हूँ कि ये सारी चीजें मिली हुई है। फिर कौन सा राजा आया था मौर्य वंश में जिसने ये सारी चीजें आहत सिक्का बनाया, पंचमार्ग सिक्का बनाया या पर्ण बनाया? ठीक है, वो सब आगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग उस राजा के बारे में पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक ये आपको धीरे धीरे क्या होते जाएगा? याद होते जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको? टेराकोटा कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। आहत सिक्का कहां से मिला है? मौर्य। पंचमार्ग कहां से मिला है? मौर्य। पर्ण कहां से मिला है? मौर्य। ठीक है, कहां से मिला है? मौर्य। उसके बाद में क्या? सीसा। सीसा कहां से मिला है? सातवाहन वंश। ठीक है, कहां से मिला है? सातवाहन वंश। कहां से मिला है? है, सीसा सिक्का भी है, पढ़िए। सीसा, सीसा के सिक्के कौन से वंश से मिला है? सातवाहन वंश। पंचमार्ग और ये भी सिक्का ही है, और सब सिक्का ही है ना। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिक्का के बारे में पढ़ रहे। तो क्या मिलेगा हमको? सिक्का मिलेगा। सिक्का मिलेगा ना, हाँ। तो सिक्का कहाँ से मिला? टेराकोटा सिक्का कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी से। आहत कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। पंचमार कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। पर्ण कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। सीसा कौन से वंश से मिला है? सातवाहन। कहाँ से मिला है? सातवाहन। ठीक है, कहाँ से मिला है? सातवाहन वंश से मिला है। सोना, सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानी लोगों ने। ठीक है, क्या चीज? सीसा, सीसा का ये आहत पंचमार्ग पर्ण सब आगे तो पढ़ो, तो बस इतना याद तो रखो, बस याद करते जाओ, आप लोगों के लिए ही है सब। मैं आहत है या फिर आहत? आहत, आहत त है ये, नहीं
अपना देखो। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई मैम, सॉरी मैम। चल लिखो आहत पंचमार्ग पर्ण कहाँ से मिला है? मौर्य वन। सीसा किससे मिला है? सी से सीसा। स से क्या रखोगे? स से याद रखना सातवाहन, ठीक है। सीसा सातवाहन। सोने का सिक्का किसने चलाया? यूनानी लोगों ने। किसने चलाया था? यूनानी लोगों ने, ठीक है। शुद्ध सोना क्या है? शुद्ध सोना। सोना तो चलाया किसने? यूनानी लोगों ने। शुद्ध सोना, ठीक है। कुषाण वंश। शुद्ध सोना किसने चलाया? कुषाण वंश, ठीक है। शुद्ध सोना किसने चलाया? कुषाण वंश के लोगों ने। अभिलेख क्या है? अभिलेख जहाँ पर दीवारों पर पत्थरों पर हैं। अभिलेख, अभिलेख क्या है? बड़े बड़े पत्थरों पर खोद खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख। वो वाला तो कहाँ पूछ रही हूँ भाई? नहीं, मैं सोची सबको मिक्स करके आप पूछ रही हूँ। सबको मिक्स करके नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है। अभिलेख क्या है? अभिलेख बड़े बड़े पत्थरों को खोद कर मैसेज लिखा जाता। बस इतना बोला, सब अभिलेख बोलूंगी तो क्या बताओगे? बड़े बड़े पत्थरों को खोद कर लिखा जाता था, ठीक है। जब शिलालेख पूछूंगी तो क्या बताओगे? छोटे छोटे पत्थरों को खोद कर लिखा जाता था, ठीक है। जब पिलर बोलूंगी तो क्या बताओगे? स्तंभ लेख, ठीक है। दीवार बोलूंगी तो भित्ति, और कैलाश गुफा बोलूंगी तो गुफा अभिलेख बता देना, ठीक है। याद करो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा। घर में जाकर के उतना ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या बोलती हूँ मैं, बोलो क्लास में बोला करो, ठीक है। टेरा कोटा कहाँ से मिला है? टेरा कोटा सिंधु। कहाँ से मिला है? सिंधु। टेरा कोटा सिक्का कहाँ से मिला है? सिंधु। आहत कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। पंचमार्ग कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। पर्ण कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। कहाँ से मिला है? मौर्य वंश। सीसा कहाँ से मिला है? सातवाहन। सीसा कहाँ से मिला है? सातवाहन। सोना का सिक्का किसने चलाया था? यूनानी। किसने चलाया था? यूनानी, ठीक है। और शुद्ध सोना किसने चलाया? कुषाण। शुद्ध सोना कुषाण, ठीक है। शुद्ध सोना किसने चलाया? कुषाण, ठीक है। शुद्ध सोना किसने चलाया? कुषाण। उसके बाद क्या लिखोगे? अशुद्ध सोना। क्या लिखोगे? अशुद्ध सोना। अशुद्ध सोना, ठीक है। अशुद्ध सोना किसने लिखा? गुप्त, ठीक है। अशुद्ध सोना गुप्त। अशुद्ध सोना किसने चलाया? गुप्त। सर्वाधिक सोना किसने चलाया? गुप्त वंश, ठीक है। अशुद्ध सोना गुप्त। सर्वाधिक सोना गुप्त वंश ने, ठीक है। चांदी का सिक्का गुप्त वंश ने। मयूर सिक्का गुप्त वंश, ठीक है। मयूर सिक्का गुप्त वंश, सारे गुप्त वंश, ठीक है। शुद्ध सोना गुप्त वंश, चांदी का सिक्का गुप्त वंश, मयूर सिक्का गुप्त वंश, सर्वाधिक सोना गुप्त वंश। कौड़ी, कौड़ी जो है ये भी किसे चलाया था? गुप्त वंश, ठीक है। ठीक है, किसने चलाया था? गुप्त वंश, ठीक है। किसने चलाया था? गुप्त वंश। मयूर सिक्का, शुद्ध अशुद्ध सोना गुप्त वंश, सर्वाधिक सोना गुप्त वंश, चांदी का सोना गुप्त वंश, ठीक है। मयूर सिक्का गुप्त वंश। कौड़ी पता है? कौड़ी, कौड़ी नहीं, नहीं। अब दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? कौड़ी समुद्र से निकाला जाता है ना, शंख के जैसे एक छोटा सा ऐसे रहता है, पूजा उजा करने के लिए भी ऐसे रखते हैं, ऐसे टाइप का रहता है, फिर ऐसे 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 शंख नहीं, कौड़ी कहते हैं, ठीक है। कौड़ी होता है नहीं। अच्छा, उसने बच्चों को दूध पिलाया, अरे वो जैसे जैसे नहीं निकला रहता है, ऊपर पैसे निकला रहता है, मतलब कोई कोई खेलता था पहले उससे, ऐसे कर नहीं बोलते हैं, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा बोलते हैं, सुने हो? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, वही कौड़ी होता था, वो जब फूट जाता था उसका कोई काम का नहीं होता था। नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं बता दूंगी आप लोग को।
कौड़ी नहीं जानते हो। ठीक है, मैं घर में रहती तो मैं लेके आती, मेरे पास है। तो मैं घर में कहाँ रहती हूँ, जब जाऊंगी और लेके आऊंगी, बहुत सारा लेके आऊंगी। ठीक है, कौड़ी, सिक्का, बहुत सारी चीजें मेरे पास है, वो सब लेके आऊंगी। फिर क्या करूंगी बताऊंगी। ठीक है, सिक्का, टेराकोटा सिक्का कहाँ से मिला है? सिंधु। कहाँ से मिला है? सिंधु। आहर, मौर्य, पंच, पंच कहाँ से मिला है? मौर्य। कहाँ से मिला है? मौर्य। पंच सिक्का कहाँ से मिला है? मौर्य। आहत, पर्ण, सीसा कहाँ से मिला है? सातवाहन वंश। सोना, यूनानी। सोना कहाँ से मिला है? यूनानी। जो यूनानी लोग आए थे उन्होंने क्या किया था? सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, क्या चलाया था? सोने के सिक्के, शुद्ध सोना। कुषाण, शुद्ध सोना किसे चलाया था? कुषाण वंश। सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक सोना बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे? सोना। सर्वाधिक सोना क्या है? गुप्त वंश। चांदी का सिक्का गुप्त वंश। ठीक है, चांदी का सिक्का गुप्त वंश। अशुद्ध सोना गुप्त वंश। ठीक है, मयूर सिक्का गुप्त वंश। कौड़ी किसने चलाया था? गुप्त वंश। ठीक है, क्या चलाया था? कौड़ी किसने चलाया था? गुप्त वंश। चमड़ा का सिक्का, चमड़ा। ठीक है, क्या लिखोगे? चमड़ा। चमड़ा किसने चलाया था? हुमायूं, सियाबुद्दीन। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में किसने चलाया था? सियाबुद्दीन। ठीक है, किसने चलाया था? हुमायूं। ठीक है, क्या का सिक्का? चमड़े का सिक्का, रुपया। हुमायूं ने चलाया था, हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने चलाया था। ठीक है, जब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि जब हुमायूं युद्ध में आते हैं तो वो क्या है, नदी में बहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे सियाबुद्दीन नाम का जो नाविक होता है वो उनको क्या करता है, बचाता है। तब हुमायूं क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सियाबुद्दीन को तुम कुछ मांगो कि मैं आपको देऊं। ठीक है, कुछ मांगो कि मैं दूं। तो सियाबुद्दीन क्या कहता है, मुझे एक दिन का क्या बना दो, राजा बना दो। तो राजा जब बनाते हैं हुमायूं किसको, सियाबुद्दीन को, एक दिन का राजा, तब वो चलाता कौन सा सिक्का है, चमड़े का सिक्का चलाता है। किसका सिक्का? चमड़े का सिक्का। ठीक है, रुपया। अब इतना याद रखो कि ये है, जब इस टॉपिक पे जाएंगे देखो, चमड़े का सिक्का, जैसे कि हुमायूं राजा था। ठीक है, जब वो युद्ध करने गए थे तो क्या है, बाढ़ में बह कर के आ रहे थे, तब ये क्या कर रहा था सियाबुद्दीन, उसी जो नदी है वहां पे क्या करता, मछली पकड़ रहा था। ठीक है, तब सियाबुद्दीन किसको बचाता है, बड़ा सा मछली, कौन फंस गया रे बोलता है। ठीक है, तो कौन फंसता, कौन फंसता है, हुमायूं। तो उसको बेचारा अपने नाम में उठा करके लेकर जाता है, उसकी जान को बचाता है कौन, सियाबुद्दीन। किसका जान को बचाता है, हुमायूं का। तब हुमायूं क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सियाबुद्दीन से, कहता है कि कुछ मांगो, मैं आपको क्या, आप जो भी मांगो मैं क्या करूंगा, आपको दूंगा। तब ये सियाबुद्दीन कहता है, मुझे एक दिन के लिए क्या बना दो, राजा। ठीक है, एक दिन के लिए क्या बना दो, राजा। तब जब उसको राजा बनाया जाता है तब वो चलाता है चमड़े का सिक्का। ठीक है, क्या चलाता है, चमड़े का सिक्का, रुपया। रुपया कैसे चलाया, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, इसी का तो दिया हुआ है, आज भी चल रहा है रुपया। ठीक है, शेर शाह सूरी, इन्हीं का दिया हुआ आज भी क्या हुआ है, चल रहा है शेर शाह सूरी। लेकिन मैं, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, रुपया जैसे हर चीज में चेंज हुआ, ठीक है, तो फिर उसके बाद रुपया को क्यों नहीं चेंज किया अभी तक, कोई आए शासनकाल में चेंज किया? हाँ, रुपया देखो शेर शाह सूरी का है। ठीक है, अब उनको भाई अच्छा लगा इसलिए जाओ, अभी तक चेंज नहीं किए हैं, अब तुम रानी बनना तो चेंज कर देना। ठीक है, क्या है, चमड़ा का सिक्का, दाम, रुपया और सोना। ठीक है, क्या लिखोगे, दाम। आज भी नहीं बोलते हैं, मार्केट जाते हैं तो के रुपया दाम है, नहीं पूछते हो, दाम। दाम क्या होता है, तांबा का सिक्का। ठीक है, दाम क्या होता है, दाम, तांबे का सिक्का बना हुआ होता है। ठीक है, तांबे का सिक्का, उसे क्या कहते हैं, दाम। ठीक है, क्या कहेंगे, दाम। रुपया, रुपया क्या कहता, चांदी का। ठीक है, रुपया क्या था, चांदी का था। रुपया क्या क्या बना हुआ था, चांदी का। ठीक है, किसका था,
चांदी का, ठीक है, सोना असरफी। असरफी क्या है? सोना का। असरफी क्या का था? सोना का, ठीक है। असरफी क्या का था? सोना, सोने की असरफी। दाम तांबा का था, ठीक है। रुपया क्या का था? चांदी का। असरफी किसका था? सोना का। अमीर लोग असरफी, असरफी ये समझो कि अमीर लोगों के लिए क्या था? असरफी। मीडियम लोगों के लिए क्या था? रुपया, ठीक है। और मीडियम से भी और नीचे लोगों के लिए क्या था? दाम, याद करने के लिए, ठीक है। ये मत कर, इसी पे भी क्वेश्चन मत ढूंढा करना, ठीक है। दाम क्या का था? तांबा। रुपया क्या था? चांदी। असरफी क्या था? सोना। बता तो रही हूँ, असरफी मतलब सोना का सिक्का था। अब लिखती हूँ फिर भी नहीं दिखता है क्या? चश्मा लगाया करना, चश्मा बनवा लेना। सॉरी, बस सॉरी सॉरी बोलते रहो दिन भर, ठीक है। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी, ठीक है। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। चमड़े का सिक्का, हुमायूं, ठीक है। किसने? हुमायूं। शुद्ध सोना, गुप्त। शुद्ध सोना किसने चाहा था? गुप्त ने। अशुद्ध सोना, गुप्त। सर्वाधिक सोना, गुप्त। टेराकोटा, सिंधु घाटी सभ्यता। आहत सिक्का, आहत सिक्का किसने किया था? मौर्य वंश। पंचमार्क, मौर्य वंश। पर्ण, मौर्य वंश, ठीक है। टेराकोटा, सिंधु। टेराकोटा, सिंधु, ठीक है। टेराकोटा किसने किया था? सिंधु। टेराकोटा किसने किया था? सिंधु। सीसा, किसने? सातवाहन। सोना, यूनानी। सोना क्या था? यूनानी। शुद्ध सोना किसने चलाया था? कुसार। शुद्ध सोना किसने चलाया था? कुसार। अशुद्ध सोना, गुप्त वंश। कौड़ी, गुप्त वंश, ठीक है। कौड़ी क्या था? गुप्त वंश। एक बार बता दोगे जितना पढ़ाया हो उसका क्वेश्चन? ठीक है बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार, ठीक है। टेराकोटा, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था। पशुपति शिव की मूर्ति, सिंधु घाटी सभ्यता। रोपड़, रोपड़। एक मिनट, पशुपति शिव की मूर्ति क्या बताया? मोहन, क्या है? मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। क्या है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो। 16 किलो का बाट कहाँ से मिला था? 16 किलो का बाट कहाँ से मिला था? लोथल से, ठीक है। जितना भी पढ़ाया सब क्या करके आओगे? याद करके आओगे। मैं बहुत